इस फोन को यूट्यूब पे बहुत लोगों ने अच्छा कहा है। है। तो इसके दो पहलू निकलते हैं। फोन सच में अच्छा या yeah. हम बात कर रहे हैं मोटो जी फिफ्टी टू की स्टार्टिंग फ्रॉम पांच ऐसी चीजें जिसे देखकर आप खुद बोलोगे एंड एंड में तीन ऐसी चीजें जिसे देखकर आप बोलोगे बाय Moto। so, सो पहली अच्छी चीज डिस्प्ले सिंपल सी भाषा में इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम पिक्चर क्वालिटी टू बहुत ही कम बेजल्स ये डिस्प्ले सबसे बेस्ट है इस प्राइस पर ओवरऑल फुली मॉडर्न वाइब लुक सेकेंड प्यारी चीज लुक्स एंड ओवरऑल बिल्ड स्टार्टिंग वेलकम विद अनबॉक्सिंग

ये Redmi Note 11 से भी तुलना ले लो यहां आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है इंक्लूडिंग स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड इनकी सोच रहे इतने दिन वीडियो क्यों नहीं आई पैसे कमाने गया था इसके लिए आ, सच्ची में

थैंक यू जोश फॉर रिमाइंडर तीन ऐप आती है ऐसी फालतू प्लस गूगल के बहुत प्रीलोडेड हैं जिनको आप कुछ का खात्मा कर दोगे बाकी कुछ को डिसेबल कर लेना स्टिल फार बेटर देन हॉट एंड सीजलिंग जो अदर मैन्युफैक्चरर्स देते हैं और दुख की बात वो आपका पीछा भी नहीं मतलब भी नहीं नहीं छोड़ते मतलब अनइंस्टॉल होते एंड सच बताओ तो मुझे ऐसे ब्लॉटवेयर से बिल्कुल दिक्कत नहीं है खासकर से इस प्राइसिंग पर जब तक कि वो अनइंस्टॉल हो जाता एंड दोबारा मुझे ना दिखे किसी नेक्स्ट अपडेट में इसमें थिंक शील्ड की एक हार्डवेयर प्रोटेक्शन भी है इस प्राइस पॉइंट पे ये बहुत इंप्रेसिव एंड यूनिक अपने आप में फोर्थ बैटरी ये फोन अमर है बेसिकली जिस भी फोन का 9 घंटे 10 घंटे स्क्रीन टाइम आता है मैं उसे अमर वाली कैटेगरी में डाल देता हूं और ये तब है जब नाइनटी हर्ट पे सेट है क्योंकि 60 हर्ट तो अनयूजेबल है सॉरी बट अनयूजेबल है बट ये भी सच है इस प्राइस पे हर कंपनी अच्छा ही देती है बैटरी में जो चीज यूनिक है वो है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन विद ऑप्टिमाइज चार्जिंग वाले फीचर जो पहले से ऑन होते हैं और अगर फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो सत्तर मिनट मिनिमम टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में और एक और एक्स्ट्रा पॉकेट में एन आता है

एक दूसरे को पकड़ाता रहेगा क्योंकि नॉट अ गुड फीलिंग टू हैव बट क्लियर कर देता हूं, ऐसा मेजर कंसर्न नहीं है एंड कंपेरिजन वाइज स्पीकर क्वालिटी रेडमी नोट इलेवन से डेफिनेटली अच्छा है हेडफोन का जो आउटपुट है वो भी अच्छा है एंड एक चीज क्लियर कर देता हूँ ये फोन 4G बिल्कुल नहीं लग है एंड मुझे तो स्वागत है बाकी के लिए ये वाली देख लेना। call, सब बेहतरीन एंड नेक्स्ट यूर चीज नोटिफिकेशन पैनल आपका हमेशा डार्क रहता है चाहे आप डार्क मोड में हो कि लाइट मोड में हो इसको प्लीज फिक्स करें एंड फनी यूनिक में सबसे पहले तो यहाँ पर ये गलत स्क्रीन साइज मेंशन है और ये जो फोन बना हुआ है उसके बैजेस थोड़े ज्यादा है इन जनरल उल्टा होता है एंड में दो स्पेशल चीज की बात करेंगे जो मुझे रियलाइज हुआ इसको यूज करते करते बट अभी की बात करते हैं। पहला, में काफी way, में पावर हाउस तो नहीं है बट नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी झेल जाता है बट इसमें मुझे थोड़ा लगा वैसे इन जनरल एंड्रोड को हम बहुत लाइट में कंसीडर करते हैं बट यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की कमी लगी इवन 90 हर्ट्ज भी उतना शाइन नहीं कर पाता एग्जैक्ट टॉम में कहूं तो ये से 40% आपको जिटर देखने को मिलेगा वाई खोलना बंद करना और स्विच करना ऐप के मिड में आपको वहां पर लैग फील होगा स्पेशली जब आप सिस्टम ऐप यूज कर रहे होंगे लाइक कैमरा सेटिंग्स यहां वहां जंप में आपको हर बार अटकाएगा ये और इससे भी आसान शब्दों में कहूं तो Realme 9i और Mi Y in Redmi Note 11 ज्यादा वे स्मूथर फील होगा कंपेयर टू दिस ये वाली चीज थोड़ी सी गलत है सेकंड कैमरा कैमरा डिसेंट सा है इफ यू लव इमेजेस क्लोज टू नेचुरल कलर द बेस्ट सिचुएशन में आपको फोटोज दिखाता हूं, ये फ्रंट कैमरे से है ये मेन बैक कैमरे से है ये वाइड एंगल से है दो मेगापिक्सल डेप्थ को मिस कर रहे हो लो इसकी भी तस्वीर ले लो <laughs> चलो फोटोज में ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट साइड आएंगे हाई एक्सपोजर वाली जगह को थोड़ा कम ही हैंडल कर पाता है एच थोड़ा लो एफर्ट लगा जैसे कि हमारे यहाँ के मोस्टली क्रिएटर्स एंड मोस्टली पिक्चर्स एंड वीडियोस में आपको थोड़ा रेड टिंट की तरफ ज्यादा मिलेगा कभी कभार बहुत एग्रेसिवली हो जाता है डिडोट लाइक दैट पोर्ट्रेट पिक्चर में अच्छी खासी डिटेल कैप्चर होती है बट हाईलाइट बिल्कुल ही अवे होता है इस वाली सिचुएशन में रेडमी काफी अच्छे से हैंडल आउट करता है फिर वही लो लाइट मोटो थोड़ा बेटर करता है।, को काफी अच्छे है तो हाल यहां पर, पर सबका यही हाल है रेडमी थोड़ा सा ज्यादा शार्पन करता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट साइड रहता है मुझे बीच वाला चाहिए एंड मोटरोला के रेड और मेजेंडा ट्रेंट से नहीं बच सकते नहीं बच सकते तो मेरी एक जेब में ये और दूसरे में ये तो मैं कौन सा फोन निकालूंगा कैमरे के लिए इस सिचुएशन में पहली बात तो मेरी पैंट में जेब नहीं है ओके okay, मैं निकालूंगा मोटो को मोस्टली बताऊं तो रिजल्ट काफी इनकंसिस्टेंट है बहुत ज्यादा सिचुएशनल बेस्ड है तो किसी एक को विनर बताना जस्टिफाइड नहीं होगा बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोटो का कैमरा ऐप काफी लेगी फील होगा ऐसा दस हजार वाले फोनों की फील देगा मान लो जल्दी में आप फोन निकालते हो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये साइड बाय साइड देख लो तो मोस्टली शुरुआत का सीन आपका कट जाएगा एंड ऑफ करते वक्त भी इतना ही डिले लगाता है सेटिंग और क्लासिफाइड हो सकते थे एंड इवन लैक ऑफ ऑप्शन लगा एंड नॉर्मल ब्यूटिफिकेशन टाइप के लिए भी आपको कोई और ऐप डालनी पड़ेगी एंड लास्ट इसमें एक्सक्लूसिव गैलरी ऐप भी नहीं है तो आपको गूगल फोटोज ऐप पे रिलाई होना पड़ता है इसके कारण आपको थोड़े मोड़े लैग देखने को मिलते हैं एंड जैसे मानो मैंने ये वीडियो बना यहाँ पर मैंने डन किया अब मैं जाता हूँ वीडियो चेकआउट करने के लिए यहाँ पर लोड होने में कभी कभार पांच से दस मिनट लोड हो जाते हैं और कभी कभार ऐप भी क्रैश हो जाती है तो प्लीज मोटो बहुत इरिटेटिंग है फिक्स इट तीसरा डिस्प्ले नो डाउट डिस्प्ले काफी अच्छी है बट मोटो को यहाँ पर स्क्रीन कैलिब्रेशन पे ध्यान देना चाहिए यहाँ आपको दो मोड देखने को मिलेगा पहला डिफॉल्ट जो थोड़ा सा फीका है नॉर्मल से थोड़ा कम और दूसरा सेचुरेटेड नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा विद एडेड येलोइ और वार्मर टिंट कभी कभार लगता है नाइट मोड ऑन है जब बाकी स्क्रीन के कंपैरिजन में रखोगे एंड इंटरनेट स्पीड टेस्ट में रफली एवरेज 10 परसेंट स्पीड कम आती है ये मैंने हंड्रेड एमबीपीएस वाई फाई प्लान वाले पे भी फील किया, के साथ. पता नहीं क्यों इसमें कैरियर एग्रीगेशन मौजूद है और सारे टेस्ट मैंने एलटी प्लस पे किए इसके बावजूद आपकी थोड़ा सा कटौती देखने को मिलेगी एंड द लास्ट जो मोस्टली कॉन्स मैंने बताया वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकते हैं बट वो इतना ईजी भी नहीं है अदरवाइज ऑलरेडी फिक्स हो चुके होते बट मैं इस पर डेफिनेटली एग्री करूंगा कि मोटरोला इंप्रूव कर रहा है फ्रॉम द हार्डवेयर सेलेक्शन

एंड लास्ट इफ यू आर अ गेमर और कैमरा थोड़ा सा ज्यादा ही यूज करते हो और फोन को भी एक्सटेंसिवली यूज करते हो एंड मोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड के इतने ज्यादा दीवाने भी नहीं हो लुक एल्सवेयर अदर देन दिस क्योंकि बाकी कॉम्प्रोमाइज आपके लिए जस्टिफाइड नहीं होंगे एंड अगर जानना हो स्टॉक एंड्रॉइड में कितने कम फीचर्स और क्या क्या ज्यादा मिलता है कंपेयर टू एम आई वाई फिर ये बेस्ट टाइम है बोल्ड होके यस कमेंट करने का एंड रिसेंटली दो स्पेशल चीज मुझे रियलाइज हुई सबसे पहला हम पचास हजार बना चुके हैं वैसे थैंक यू ओके okay, पहला ये है इस बजट प्राइसिंग पे चार जीबी और छह जीबी बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं शायद तो ऑलवेज दिमाग में रखना ये बात एंड दूसरा टू ऑल अदर क्रिएटर्स फोन को इतना ज्यादा हाइप किसी अच्छी साइड मत कर दो कि फोन के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए एंड दिक्कत तब आती है जब एक्चुअल में फोन यूज कर रहे होते हैं और आपकी वीडियो देख रहे होते हैं मेरे पास कोई अलग मॉडल आ गया क्या वो बिट्रेल वाली भावना आती है नॉट गुड ऑन दैट नोट बिटरे तो हमें इस कंपनी से ज्यादा हमारी एक्स ने भी नहीं किया लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आओ दर्द बांटते वरना राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके मस्त टाइम पास करो मतलब मस्त टाइम पास बाय